दिल्ली में इन दिनों सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार और केजरीवाल के सादगी वाले दावों पर कटाक्ष किया है। अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इस समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 11 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया, एक पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार आ गई है और ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार के को चलाने वाले जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनके बड़े ही कट्टर दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे, ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी उसको जब्त किया गया। आदेश गुप्ता ने कहा कि जो लोग कहते थे कि हम ईमानदार हैं वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उनके पुलिंदे जनता के सामने आ चुके हैं, यही इनकी असली कहानी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चलाकर कार्रवाई करने का दावा करने वाले खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सादगी की बात करने वाले अपने लिए करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मित्र सत्येंद्र जैन की 5 करोड़ की संपत्ति जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से उन्होंने खरीदी थी उसको जब्त कर लिया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।